वितरित मॉनसून के अनुसार भारतीय कपास की क्वालिटी कम होने की खबरों के चलते कपास की कीमतों में उत्तर भारत की तरफ तेजी देखने को मिली है। बाजार में कपास की सप्लाई सामान्य से लगभग एक तिहाई कम देखने को मिल रही है। वहीं कपास की सप्लाई लगभग 38.7 मिलियन गांठ रहने की उम्मीद है, जो 2021-22 के दौरान 39.2 मिलियन गांठ थी। आमतौर पर अक्टूबर दिसंबर में पड़ोसी देशों से एक्सपोर्ट डिमांड और घरेलू मार्केट में विंटर सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले 2022-23 सीजन में भारत में कपास की 34.4 मिलियन गांठे पैदा होने की संभावना है, जो किसानों द्वारा फसल क्षेत्र का विस्तार करने के बाद एक साल पहले की तुलना में 12% अधिक है। वहीं 30 सितंबर 2022 को समाप्त सीजन के लिए भारत का कपास उत्पादन गिरकर 307,05 गांठ रह सकता है। वहीं अक्टूबर में सीजन की शुरुआत में अनुमानित पिछले साल जो उत्पादन का अनुमान था वो 360,13,000 गांठ के मुकाबले अब इस बार उत्पादन गिरकर 307,05,000 गांठ होने का अनुमान है। ये 2007-08 के बाद सबसे कम है, जब उत्पादन 307,00,000 गांठ था। वहीं यूएसडीए की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन, पाकिस्तान, मेक्सिको, टर्की और वियतनाम द्वारा आयात में गिरावट के साथ सितंबर से विश्व व्यापार लगभग 1 मिलियन गांठ कम होने का अनुमान है। एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, बेनिन, कोटे डी आइवर, ग्रीस और मेक्सिको के निर्यात अनुमानों में कटौती करते हुए अपने अमेरिकी निर्यात पूर्वानुमानों को 1,00,000 गांठों से घटाकर 12.5 मिलियन गांठ कर दिया है। यूएसडीए ने कहा है कि इस महीने 2022-23 विश्व बैलेंस शीट में खपत 3 मिलियन गांठ कम है और अंतिम स्टॉक 3.1 मिलियन गांठ अधिक है। फिलहाल माना जा रहा है कि कपास की कीमतों में छुटमुट तेजी बरकरार रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।